रात का समय था और गांव के बाहर स्थित पुराना हवेली बरसों से सुनसान पड़ा था। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी, लेकिन रवि ने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों के कहने पर उसने तय किया कि आज रात वह उस हवेली में जाकर सच्चाई पता लगाएगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर बिखरे पुराने सामान उसके पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। अचानक उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हिम्मत करके वह ऊपर जाने लगा। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुँचा, एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहने महिला बैठी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला था। अचानक महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरे खून जैसी लाल थी। रवि चीखते हुए भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था।